हाँ तो बच्चों अपन बात कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने बात कर ली थी नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट मेंशन करना नेचर ऑफ लिविंग। सेकंड मेंशन करना नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, प्रतिस्थापित समूह की प्रकृति या अवशिष्ट समूह की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इसमें क्या देखा गया है कि जो तुम्हारे पास में लिविंग ग्रुप की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि प्रतिस्थापित समूह की या अवशिष्ट समूह की प्रतिस्थापित होने की प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी, उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, या उस रिएक्शन की जो रेट होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन करना लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 एज वेल एज SN2 विल बी इंक्रीजेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अवशिष्ट समूह के प्रतिस्थापित होने की क्षमता जितनी अधिक होती है या आप ऐसे मेंशन कर लीजिए वे एल्किल हैलाइड या वे अवशिष्ट समूह जिनकी प्रतिस्थापित होने की क्षमता जितनी अधिक होगी उनके लिए SN1 व SN2 अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा उनके लिए SN1 व SN2 अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट मेंशन करना कि जो तुम्हारे पास में है कि जो एसिडिटी होती है, आई बात समझ में, जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या लिविंग ग्रुप एबिलिटी। प्रतिस्थापित होने की क्षमता ठीक, एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कैसे अपन बात करें कि जो तुम्हारे पास में F- है, Cl- है, Br- और I- है, इधर अपन बात करें तो यहाँ पर एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, अम्लीयता इनकी इंक्रीज है। ये बना लीजिए एक बार, तो इसके बाद में ये बनाने के बाद में आप क्या बोलोगे कि एसिडिटी के पैरेलल जब अपन ऑर्डर देखें तो इन एल्किल हैलाइड के अंदर अपन लेफ्ट टू राइट यदि मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इंक्रीजेज रेट ऑफ SN1 एंड SN2 इंक्रीजेज। बना लीजिए,
चलिए आगे, नेक्स्ट मेंशन करना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट विलायक की प्रकृति। ये जो तुम्हारे पास में विलायक है ना, जो सॉल्वेंट है, बात को समझना, ये जो विलायक है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, और एक होता है ये ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जो होता है वो होता है H2, HF, NH3। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होता है जैसे एसीटोन। एक बार ये मेंशन कर लीजिए, मेंशन करना इसके अंदर, मेंशन करना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मेंशन करना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट मेंशन करना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेंशन करना कि नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट मेंशन करना SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और देख लेना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट मेंशन करना SN2 अभिक्रिया इज कैरिड आउट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 अभिक्रिया ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट फोर्थ मेंशन करना नेचर ऑफ सबस्टेट।
नेचर ऑफ सबस्टेट। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात करेंगे नेचर ऑफ सबस्टेट में, यानी कि अभिकारक की प्रकृति। ठीक, नेचर ऑफ सबस्टेट। अब मान लीजिए कि तुम्हारे पास में SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि तुम्हारे पास में SN1 रिएक्शन है, आई बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या मेंशन करेंगे, SN1 अभिक्रिया में कार्बधनायन का निर्माण होता है, कार्बधनायन का निर्माण होता है तथा कार्बधनायन का निर्माण होता है तथा कार्बधनायन का स्थायित्व तथा कार्बधनायन का स्थायित्व स्थायित्व जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है होता है उसके लिए SN1 अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। लिखिए, एक बार ये बना लीजिए। लिखिए फटाफट इसको। लिख लिया होगा। तो यहाँ पे देखना कि जो 3 डिग्री कार्बन एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर होगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, फिर होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और फिर होगी CH3X की। यही तो होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट से। तो बना लीजिए यहाँ तक।
देखिए इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट मेंशन कीजिए एस एन टू रिएक्शन। एस एन टू रिएक्शन और क्या बोलेगी, ड्यूरिंग द एस एन टू रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक बेक साइड ऑन सबस्टेट, सो इफ स्टेरिक हिंड्रेंस आर मिनिमम देन रेट ऑफ एसेंट टू रिएक्शन इंक्रीजेज, एसेंट टू रिएक्शन इंक्रीजेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे कि एसेंट टू अभिक्रिया में नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है अतः एसेंटो अभिक्रिया का वेग तब अधिक होगा जब तिरवियम बाधा कम होगी, तिरविम बाधा कम होगी। बना लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हो जाना चाहिए, ये लो भैया ये ऑर्डर होगा। इसी के साथ में फैक्टर अफेक्टिंग कपलिंग हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, बना लिया। अब मेंशन कीजिए सेकंड रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया।
एलिमिनेशन रिएक्शन। विल ओपन अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो विलोपन रिएक्शन है उसको तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक है तुम्हारे पास में अल्फा एलिमिनेशन, इन्हीं मीडियम वाले एलिमिनेशन को क्या लिखेंगे, विलोपन, और इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। एक है तुम्हारे पास में बीटा एलिमिनेशन, और इसे बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। एक है तुम्हारे पास में गामा एलिमिनेशन, और इसे बोलते हैं 1-3 एलिमिनेशन। बना लीजिए एक बार। अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड कीजिए अल्फा एलिमिनेशन। फर्स्ट यहाँ पे मेथड कीजिए अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। और इसमें क्या है, एग्जांपल क्या डालेंगे इसमें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन का निर्माण। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, मैं यहाँ ले लेता हूँ हेलोफॉर्म CH X3, इसकी रिएक्शन करवाए KOH के साथ में। यहाँ पर दो ये इलेक्ट्रॉन है, इन बिंदुओं का मतलब है इलेक्ट्रॉन। मैकेनिज्म देखिए इसके, क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी OH- बेस है ना, ये बेस क्या करेगा, H+ निकालेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा ये हाइड्रोजन और इसके साथ चला जाएगा। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, X की क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा, तो कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन बना लीजिए।
चले आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। क्या होगा यहाँ पे? ये जो लिविंग ग्रुप है इस कार्बन को बोला जाएगा, जिससे जिस कार्बन से एल जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोलेंगे बीटा कार्बन। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 1-2 एलिमिनेशन होगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसका फॉर्मेशन हुआ, पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट 2 सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा बंद का 1 पाई बंद में परिवर्तन होता है। सेकंड क्या लिखोगे, हियर सेट जेब एज वेल एज होपमान प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। होपमान प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। क्या लिखोगे, यहाँ सेजेव होपमान उत्पाद का निर्माण होता है, यहाँ सेतजेव व होपमान उत्पाद का निर्माण होता है। बना लीजिए बात, ठीक है। अब मेंशन कीजिए यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इसका अभिविन्यास देखेंगे, अभी ओरिएंटेशन देखेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया में अभिविन्यास। विलोपन अभिक्रिया में अभिविन्यास। ठीक है, यहाँ जो ओरिएंटेशन डिसाइड होगा वहाँ पे 2 रूल लगेंगे। एक लगेगा तुम्हारे पास में सेजेव रूल, पूछ लेता है एग्ज़ाम में सेजेव रूल, और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है आप लोगों से होपमान रूल। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन करना आप लोग सेजेव रूल।
फर्स्ट आप मेंशन करना सेजे को, तो लिखना इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस रूल रिमूव द बीटा हाइड्रोजन, रिमूव द बीटा हाइड्रोजन एटम, रिमूव द बीटा हाइड्रोजन एटम गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल रिमूव द बीटा हाइड्रोजन एटम गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन? यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होने चाहिए, समझना बात को, कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इस पे जो स्केलेटन है यहाँ पे देखना, ये हाइड्रोजन और ये भी क्या है हाइड्रोजन। ये जो अल्फा हाइड्रोजन आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर जो सिस्टम है तुम्हारे पास में, कि कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन है इस सिस्टम में, यहाँ पे जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसको आप कंसिडर करते हुए ये देखोगे कि एडजेसेंट जो तुम्हारे पास में कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ध्यान देना यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे पास में पेरेंट जो आपने माना है, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस कार्बन को कहा जाता है तुम्हारे पास में, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। आई बात समझ में? और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उसे अपन बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम्हारे पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अरे बात समझ में? यस या नो? तो यहाँ पे इस रूल का सीधा सा मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल रिमूव द बीटा हाइड्रोजन एटम गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। हिंदी में क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार उस बीटा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन होता है जिससे अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। ये मेंशन कीजिए, निर्माण होता है। तो क्या बोला, इस नियम के अनुसार उस बीटा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है जिससे अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण होता है। चलिए अपन बात करें इसके ऊपर, देखिए ठीक, ये तुम्हारे पास में रूल है। सेकंड रूल लिखिए आप, होपमैन रूल, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड आप मेंशन कीजिए होपमैन रूल। होपमैन रूल, होपमैन नियम, तो इसमें क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल रिमूव बीटा हाइड्रोजन एटम गिव्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
उस बीटा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है जिससे कम प्रतिस्थापी एल्किन का निर्माण हो। निर्माण बना लीजिए। चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये है, ये बीटा वन है और ये बीटा टू है, ये हाइड्रोजन। ये तुम्हारे पास में अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये बीटा वन और बीटा टू हाइड्रोजन। और यहाँ पे मैंने किया एलिमिनेशन, जो किया वो बीटा वन का एलिमिनेशन किया, बीटा वन एलिमिनेशन, बीटा वन विलोपन। ये बीटा वन एलिमिनेशन जब किया, यहाँ से हाइड्रोजन लिया, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप क्या निकला बाहर, क्या बना CH3, CH डबल बॉन्ड, CH और CH3। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अभी रुक जाइए, एक किया बीटा टू एलिमिनेशन, ठीक है। बीटा टू एलिमिनेशन जब आपने किया तो यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या है, इसको जब आप मार्क किए तो यहाँ वन सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है, ये जो है ये मोर सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, मोर सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये इसे क्या बोलेंगे, सेतजे प्रोडक्ट। और इसे क्या बोलेंगे, होपमान प्रोडक्ट। बना लीजिए एक बार इसको। बना लिया होगा, ये इसका ओरिएंटेशन होता है। अब देखिए,
अब अपन देखेंगे बीटा एलिमिनेशन इन एल्किल हैलाइड। और इसे क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है ना। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है एल्किल हैलाइड में, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, टू टाइप रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे E1। एक है तुम्हारे पास में बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बोलेंगे E2। चले आगे आगे देखिए। फर्स्ट मेंशन कीजिए यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। किसमें बात कर रहे हैं अपन, एल्किल हैलाइड में। क्या होगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि ये CH3 CH2 CH3, ये एक एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन जो आप करवाओगे वो करवाओगे C2H5OH, ठीक है ना। और यहाँ पर कंडीशन होगी थर्मल कंडीशन के साथ में रिएक्शन करवाओगे, तो तुम्हारे पास में बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक बन सकता है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो है इसे बोलेंगे सेतजेव प्रोडक्ट, और इसे बोलेंगे ओपमान प्रोडक्ट। और यहाँ पर ये मेजर बनेगा, ये ध्यान रखना, ये माइनर बनेगा। एक बार ये बना लीजिए, फिर अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इसके। ये जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, इसे बोलेंगे स्लो स्टेप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, इसको धीमा पद बोलेंगे,
रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलेंगे। और इस स्टेप में क्या होगा, ये एक्स क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तुम्हारे पास में बनेगा CH3, CH2, CH, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि दो प्रकार के हाइड्रोजन, यहाँ पे टू टाइप हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ से जब यह हाइड्रोजन निकले, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, मान लीजिए इसको HN हाइड्रोजन मान लिया, इसको H2 हाइड्रोजन मान लिया, H1 H2 मान लगाओ, नहीं तो तुम इसको H2 मान बैठोगे, नहीं तो आप, तो ये हाइड्रोजन निकलना, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या बना, CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3, वो वाली हाइड्रोजन निकालते हो तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना लीजिए, ये मैकेनिज्म है इसकी। बना लोगे इसको फटाफट, बना लिया। अब इसमें लिखना, मेंशन करना, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन, ये सॉरी, ड्यूरिंग द E1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट, सो पॉसिबल देन रिएजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस, सो if possible then rearrangement should be take place, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या मेंशन करेंगे कि E1 अभिक्रिया में, E1 अभिक्रिया में कार्बोधनायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है, में बनता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर उसमें पुनर्विन्यास भी हो सकता है, आवश्यक होने पर
उसमें पुनर्विन्यास करवाया जा सकता है। और पुनर्विन्यास का मतलब समझना कि तुम्हारे पास में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यदि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो वो पॉसिबल है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन यदि 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करो, यदि 3 डिग्री में नहीं 2 डिग्री में हो रहा है तो उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करो। आई बात समझ? यदि तुम्हारे पास में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। ये मोर स्टेबल है, यहाँ पहुँचना है मुझे, मोर स्टेबल, समझना। ये यदि इसमें नहीं हो रहा है तो फिर इसमें कर लो, ये क्या है इसमें मत कर देना क्योंकि ये तो लेस स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये इन दोनों के बीच का है, ये बना लीजिए एक बार, फिर करते हैं अपन इनके कुछ रिएक्शन। ठीक है, बात करें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ। मान लीजिए ये रिएक्शन है तुम्हारे पास में, समझना बात को, ये इसकी रिएक्शन तुमने करवाई किसके साथ में? C2H5 OH और यहाँ पर थर्मल कंडीशन आपने ले ली, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहाँ से क्या निकलेगा? ये Cl बाहर निकलेगा, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 1 डिग्री को या तो 2 डिग्री में चेंज किया जा सकता है या 3 डिग्री में। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो है इसे बोलेंगे 1-1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर चला जाए और इसे बोलेंगे सेकंड पोजीशन है। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाए तो इसे बोलेंगे 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1-2 हाइड्रोजन पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास 1-2 हाइड्रोजन पुनर्विन्यास। ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखिए आप कहीं सोचते हैं कि बस क्या निकालना है, Cl निकालना है, आई बात समझ में, और मतलब यहाँ से H निकाल दिया, ये बना दिया, ठीक है, बनने में तो वो भी बन जाए, फिर मैकेनिज्म देख लीजिए आप इसकी किस मैकेनिज्म से हो रहा है। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालोगे तब आंसर तो वही आएगा। अब आपने क्या निकालना है, कहीं से भी यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल लो तीनों में से, तो क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना हम क्यों करें,
हम तो डायरेक्ट इसका जब यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये सीएल निकालेंगे तब भी आंसर तो यही आएगा, बोले तब भी आंसर तो यही आएगा, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। बनाइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगी बात। चले आगे, नया क्वेश्चन लिया यहाँ पे। बोले सर इतना क्यों करवाया आपने? इधर देखिए, और यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5OH और थर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास में ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये भी बनेगा, और मैं ये कह दूँ कि ये तो मेजर बनेगा, और ये जो एक प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारे पास में ये माइनर बनेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। यहाँ से ये सीएल क्या निकले? बाहर निकले, ये जो कार्बोकेटाइन है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसको यदि आप चेंज करो तो यहाँ पे देखना, यही तो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन, इसे 1 1 और ये 2, तो ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चलेगी, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 2 हाइड्रोजन पुनर्विन्यास हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास में क्या बना? CH3, CH2, CH और CH3, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेंगे भाई? ये मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, और इसकी पहचान तभी हुई जब आपने मैकेनिज्म की, अदरवाइज तो नहीं होता। अदरवाइज तो तुम निकाल लेते यहाँ से हाइड्रोजन, बोले काम हो गया अपना, बना लो। चलिए आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए E2 मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर होगी, नेक्स्ट मेंशन कीजिए बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन,
इस बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा देखना। एल्कोलिक केवच के साथ में रिएक्शन हुई, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे भी ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इसका मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म क्या रहा। क्रिया विधि देखना इसकी, ये क्या करे यहां पर अटैक करे, ये बॉन्ड ब्रेक होए और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे और एक्स यहां से बाहर निकले। ये इसकी मैकेनिज्म है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। संक्रमण अवस्था है, बना रही है इसको। नेक्स्ट मेंशन कीजिए डिफरेंस बिटवीन ई1 एंड ई2 मैकेनिज्म। ई1 तथा ई2 अभिक्रिया में अंतर, आपसे ई1 ई2 पूछ ले अलग अलग तो ये बना देना, आपको डिफरेंस पूछते तो भी बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा पेज लेना अपनी कॉपी में। E1 की बात करें वो, E2 की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो अभी एग्जांपल लिया था वो यही तो था। मैकेनिज्म पूरी मैंने इनकी समझाई रखी थी, तो यहाँ क्या बोलोगे, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और इसके लिए क्या बोलोगे, इट फॉलो
सेकंड ऑर्डर काइनेटिक यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारे पास में रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सबस्टेट के, और यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सबस्टेट के भी है और साथ में क्या है OH- जो बेस है आपने लिया है उसके भी है। थर्ड देखना, इट इज टू स्टेप प्रोसेस। मैं लिखना इट इज वन स्टेप प्रोसेस, यहां पे क्या लिखोगे, यह है अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है, और उसमें लिखना यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। नेक्स्ट लिखना ही है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन या हियर कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट, हियर कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट। क्या लिखेंगे, यहाँ मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, यहाँ मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे हियर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती के रूप में बनती है, ये रूप में बनती है। ये डिफरेंसेज हैं जो बना लीजिए, लिख लीजिए एक बार आप इनको।
चलिए अपन आगे। इसी के साथ में तुम्हारे पास में ये क्या कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन का कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना। अब एक बार वो गामा एलिमिनेशन पढ़ लो, फिर इनके जो एग्जांपल है ना ये टू के रिंग के वो बाद में करवाएंगे अपन। मेंशन करना गामा एलिमिनेशन और 1-3 एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन और 1-3 एलिमिनेशन, ये कोई बहुत गामा एलिमिनेशन, ठीक है। जेड एन की प्रेजेंस में करवाया, ये यहाँ ये बाहर निकल गया, गामा एलिमिनेशन। बहुत ज़्यादा टिपिकल है नहीं ये, तो बहुत बड़ा भी नहीं है, बस ये बना लीजिए गामा एलिमिनेशन। इसी के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करेंगे इनके एग्जांपल की पर पहले अपन एग्जांपल लेंगे किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो मेंशन करना एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है। फर्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विद एक्वस KOH, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया। और मेंशन कर लेना कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH देन एल्कोहल विल बी फॉर्म, देन एल्कोहल विल बी फॉर्म, एल्कोहल विल बी फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, क्या है K प्लस और OH माइनस, यहां से Cl बाहर निकला OH जुड़ गया यहां पे, और लीजिए केस Cl की जगह क्या जोड़ दो OH। बताई रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, नेक्स्ट केस देखिए, थ्री डिग्री के साथ करो, ये लीजिए
चलिए आगे आगे देखिए। एक एग्जांपल मैंने ये लिया CH3CH CH3CH2, यहाँ से है। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई एक क्रॉस की आवाज के साथ में। तो देखिए ऐसे एग्जांपल में डायरेक्ट मत कर देना अब आप लोग। यहाँ से सबसे पहले Cl को क्या निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर देखिए ये वन वन और ये क्या है, टू है। तो यहाँ पर होगा 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले मैंने, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब जो तुम्हारे पास में OH माइनस है वो यहाँ अटैक करे और प्रोडक्ट बने। ये वाला प्रोडक्ट था कुछ, इस वाले क्वेश्चन का भी ध्यान रखना आप लोग, बना लीजिए इसको। बना लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ Ag2O, रिएक्शन विथ Ag2O, Ag2O के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ Ag2O, तो देखिए कि जो तुम्हारे पास में Rx है, यहाँ पे समझना बात को, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, यदि वो मोइस्ट Ag2O देता है तुम्हें, यानी कि मोइस्ट का मतलब नमी के साथ में, या वो देता है तुम्हें ड्राई Ag2O यानी कि शुष्क, तो इसके केस में तो तुम्हारे पास में क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। बना लो ये भी। इस बात का जरूर ध्यान देना, वो पूछ लेगा एग्जाम में, से दे देगा मोइस्ट Ag2O लगा दिया, फिर क्या करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन कीजिए, रिएक्शन विद KCl, रिएक्शन विद KCl, रिएक्शन विद KCl, और लिखना है इसमें कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद KCl देन एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म, एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म, एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल साइनाइड का। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन करना, रिएक्शन विथ AgCl,
रिएक्शन विथ ए जी सी एन और मेंशन करना कि वेन वेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ ए जी सी एन देन आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म्ड। देखो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा तो ये क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, तो क्या बन गया आर एन ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये आर एन सी है, एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ए जी सी एन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब वहाँ एग्जाम क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद के सी एन देन एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म एंड रिएक्ट विद ए जी सी एन देन एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म एक्सप्लेन इट। तो आप क्या बोलोगे कि के सी एन इज आयनिक इन नेचर एंड ए जी सी एन इज कोवलेंट इन नेचर, ठीक है। के सी एन में जो है तुम्हारे पास में डोनर साइट, टू डोनर साइट प्रजेंट कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट इन द केस ऑफ ए जी सी एन ओनली वन डोनर साइट आर प्रजेंट, ठीक है ना, नाइट्रोजन वाला केस। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना कि वेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद के सी एन देन एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म, एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म वाइल रिएक्ट विद ए जी सी एन देन एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म, एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया के सी एन के साथ करवाई जाती है, के सी एन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, जबकि जबकि ए जी सी एन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। समझाइए समझाइए, तो इसमें लिखना, इसका आंसर लिखना, वैसे आप भी लिख सकते हो, मैं लिखवा देता हूँ कि इन द केस ऑफ के सी एन, या के सी एन इज आयनिक इन नेचर, के सी एन इज आयनिक इन नेचर एंड टू डोनर साइट प्रजेंट इन के सी एन, एंड टू डोनर साइट प्रजेंट इन के सी एन कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, सो इन द के सी एन, सो इन द केस ऑफ के सी एन, सो इन द केस ऑफ के सी एन, डोनर साइट ऑफ कार्बन अटैक, डोनर साइट ऑफ कार्बन अटैक एल्किल हैलाइड, डोनर साइट ऑफ कार्बन अटैक एल्किल हैलाइड देन एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म, एल्किल साइनाइड विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, के सी एन आयनिक प्रकृति का होता है, के सी एन आयनिक प्रकृति का होता है तथा इसमें इसमें दो दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बन व नाइट्रोजन, कार्बन व नाइट्रोजन तथा के सी एन में कार्बन दाता परमाणु एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है, एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है जिससे एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट मेंशन करना, ए जी सी एन इज कोवलेंट इन नेचर, ए जी सी एन इज कोवलेंट इन नेचर एंड ओनली वन डोनर एटम आर प्रेजेंट इन ए जी सी एन, इन ए जी सी एन इज नाइट्रोजन, इज नाइट्रोजन, सो इन द केस ऑफ ए जी सी एन नाइट्रोजन अटैक एट एल्किल हैलाइड, नाइट्रोजन अटैक एट एल्किल हैलाइड सो एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म, एल्किल आइसोसाइनाइड विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, ए जी सी एन सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है तथा इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करता है जिससे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गई, ये सेम केस इसमें NaNO2 और AgNO2 में लगेगा, ध्यान देना, रिएक्शन विद
रिएक्शन विथ लास्ट रिएक्शन विथ NaNO2 और AgNO2, ये केस भी देखना कि जब RX की रिएक्शन आप NaNO2, Na क्या है, Na प्लस O माइनस डबल बॉन्ड O, यही तो है, जबकि AgNO2 क्या है, AgO एंड डबल बॉन्ड O, ये है, ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में एल्किल नाइट्रेट बनेगा। आई बात समझ, ये क्या बनेगा, एल्किल नाइट्रेट, सेम वो कि वो लैंग्वेज यहाँ लिख सकते हो, इसमें एक ही डोनर साइट है, इसने यहाँ पे अटैक किया, क्या बना, आर एंड डबल बॉन्ड ओ, ओ और ए जी, ठीक है, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये ए जी अपनी इलेक्ट्रॉन दे के क्या निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे, ये जो बन रहा है ये एन ओ टू बन रहा है या नेगेटिव, तो इसे बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। तो इस केस में तो नाइट्रो एल्केन बन रहा है और इस केस में एल्किल नाइट्रेट बन रहा है। अरे बात, तो ये बना लेना। इसी के साथ में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। अरे बात, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे।